नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सोननद से निकलने वाला पीला सोना कही जाने वाला रेत का अवैध कारोबार बालू माफियाओं के द्वारा जारी है। पुलिस प्रशासन सहित खनिज विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग रहा है। रोहतास में इन दिनों बालू माफियाओं बेखौफ होकर अपना कारोबार तेजी से कर रहे हैं। इसी को देखते हुए रोहतास SP आशीष भारती के निर्देश पर देहरी SDM चंद्रिमा अत्री के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। औरंगाबाद के बारून से आने वाले बालू लदे वाहनों को गेमन पुल पर ही दोनों तरफ से घेर कर जब जांच की गई तो कई पानी टपकते हुए ओवर बालू लोड बिना चलान के पाए गए, जिसमें तकरीबन 3 घंटे चले इस पुलिस प्रशासन के कंबाइन ऑपरेशन में डेहरी थाना के साथ साथ आसपास के थानों सहित खनन विभाग टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस भी तैनात था, जिसमें 18 से ज्यादा बालू लदे वाहनों को जब्त कर लिया गया। आइए सुनते हैं डेहरी SDM चंद्रिमा अंतरी से। हमने आज सुबह में गेमन पुल में जो बारून औरंगाबाद से गाड़ियां आती है अवैध तरीके से, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की। कार्रवाई में हमें 18 ट्रैक्टर जब्त हमने किए जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। सभी के सब ट्रैक्टर ओवरलोडेड थे। मैडम, कार्रवाई के बाद भी जो है वो कुछ न कुछ चालू हमेशा रहता है, बालू माफिया जो है वहाँ लगातार? देखिए, अभी तो क्योंकि जो लीगल माइनिंग है वो भी चल रही है, बट उसके साथ साथ अवैध भी वो कहीं कहीं से निकालता रहता है। हम उसमें कार्रवाई करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे, और ये चलता रहेगा आगे भी कार्रवाई का। इसमें 3 जो ड्राइवर थे वो पकड़े गए हैं, 3 ड्राइवर पकड़े गए हैं, तो 3 ड्राइवर के ऊपर हम FIR करेंगे। और बाकी जो कुछ लोग थे जो लाइनर की तरह काम करते हैं और जो सूचना देते हैं आसपास के, आगे की कार्रवाई में हम उन पे भी FIR करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि रोहतास पुलिस कप्तान SP आशीष भारती के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें 18 वाहनों को SDM चंद्रिमा अत्री के नेतृत्व में जब्त किया गया। चंद्रिमा अत्री का सीधा सीधी तौर पर कहना है कि बालू माफियाओं पर शिकंजा प्रशासन का कसा जा रहा है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।